लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे बैठी है अकेली ये है मिस विशाखा शास्त्री डायरेक्टर साहब अंदर हैं विशाखा कहाँ है बेटा ऑडिशन ले गई अब क्या करेंगे अम्मा जी देवकी जी अम्मा देवकी जी हम बाहर खड़े हैं दरवाजा खोलिए दरवाजा खोलिए जी जी हमें पता है कि आप किवाड़ क्यों नहीं खोल रही इस चुनरी को लेकर ही आप लोग इतने व्याकुल हो रहे थे ना असावधानी के कारण अन्य सामान के साथ मंडप पर पहुंच गई थी तनिक सी असावधानी के कारण कितना विलंब हो गया लड़की का समय पर मंडप में न पहुंचना कई प्रश्न खड़े कर देता है देवकी जी हम लड़की वाले हैं देवकी जी हम पर उंगलियां उठते देर नहीं लगेगी ठाकुर जी की कृपा रही जो ऐसा कुछ नहीं हुआ चलो अब मैं ही बिहारी जी की चुनरी विशाखा को उड़ा देता हूं बिहारी जी की चुनरी हर घर की मान मर्यादाओं का प्रतीक होती है
संस्कारों की धरोहर होती है। इसे तुम ससुराल में भी संभाल कर रखना और एक आदर्श बहू बनकर दिखाना। चलो, अब विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो बेटा। बंबई गई हो पहले? जी जी नहीं। तो चलने की तैयारी करो। सच? मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म के लिए सिलेक्ट कर रहा हूं। ओह माय गॉड, यू नो, टैलेंट और ब्यूटी का इतना बेहतर कॉम्बिनेशन मैंने पहले कभी नहीं देखा। माइंड ब्लोइंग। अब देखो ना, परसों ही मैं अक्की को कह रहा था। अक्की? हाँ, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार? बैठो बैठो, समझा रहा था उसको कैटरीना के साथ ज्यादा फिल्में ना करें, उससे बढ़िया हीरोइन लेके आऊंगा। पर देखो, तुम मिल गए। कमाल यार, ग्रेट लक्की। हाँ, आप मुझे अक्षय कुमार के साथ साइन कर रहे हैं? ऑफ कोर्स। आ देखो, टाइम कम है हमारे पास, चलने की तैयारी करो तुम। जी जी, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, जब आप बोले। गुड, तकदीर बदल जाएगी तुम्हारी, स्टार स्टार बन जाओगी तुम। ए सुनो, आप बेबी के लिए जूस लेके आओ जरा। जी सर। जूस तो चलेगा ना? जी बिल्कुल चलेगा। सुनो, एकदम बढ़िया लेके आना, बढ़िया मिक्स फ्रूट का जूस। अक्की की हीरोइन है, अक्की की, उसको बोलना स्पेशल भेजे स्पेशल। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कुछ देर पहले तक मैं दुल्हन बनी बैठी थी, अब मैं हीरोइन हूँ। ऐसा लग रहा है मैं किसी जाल में फंसने वाली थी और अब बच गई हूं। अब सुनिए। जी देवकी जी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। क्या कहना चाहती हैं? जी वो रा राधिका दीदी कहाँ है? होगी यहीं कहीं? नहीं नहीं है, देख लिया। तू 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 आना, जा बाहर जाके शादी देख, जा। नहीं, मैं राधिका दीदी के साथ दूर से ही देखूंगा। मैंने उन्हें वचन दिया है। क्या कहना चाहती थी देवकी जी? जी वो मैं क्या कहना चाहती थी देवकी जी? जी वो शास्त्री जी, लगता है बेटी माँ बाबूजी से दूर नहीं जाना चाहती। अब आप ही को विश्वास दिलाना पड़ेगा अपनी बेटी को। कि ये जिस घर में जा रही है वहां इसे एक और माँ बाबूजी मिलेंगे।
सास ससुर नहीं। आइए ना। चलो बेटा। इंतजार कर रही थी। पहली बार किसी ने मेरे टैलेंट की कद्र की है। अब खुद पर मेरा यकीन और मजबूत हो गया है। अब पता चलेगा सारे वृंदावन को कि विशाखा कितनी टैलेंटेड है। वृंदावन को नहीं, पूरे देश को। हाँ, पूरे देश को। तो कब निकलना होगा भाई? ये तो तुम्हारे हाथ में है जी। वो कैसे? कितना पैसा लगा रही है तुम? पैसा? अच्छा, आपका मतलब कि मैं कितने पैसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ? अब पैसों की क्या बात करूँ मैं, ये तो मेरी पहली फिल्म है ना। अब मैं डिमांड तो नहीं कर सकती। वैसे आपने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना? बकवास बंद करो। कैश कितना तुम्हारे पास जी? अरे घर से कितना पैसा लाई हो तुम जी? मैं पैसा वैसा है कि नहीं? नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। किसने कहा था तुम्हें जूस लाने के लिए? चलो जाओ यहाँ से। जी सर। अच्छा, बगैर पैसे के हीरोइन बनोगी तुम? तुम्हारे जैसी हजारों लड़कियां आती हैं यहाँ। ऐसा है क्या तुम्हारे अंदर जो कोई तुम पे करोड़ों रुपए लगाएगा? हाँ, चलो जाओ यहाँ से, चलो। आप ही ने तो कहा था कि मेरे अंदर टैलेंट और ब्यूटी। मुझे क्या मालूम था तुम खाली हाथ मिलने चली आई। अरे पैसा चाहिए पैसा। बगैर पैसे के इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में हीरोइन नहीं बन सकती तुम, समझी? मैं टैलेंटेड हूँ, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ एक मौका दे दीजिए प्लीज। मौका? मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन उस दिन जिस दिन तुम्हारे एक हाथ में तुम्हारा फोटो और दूसरे हाथ में पैसों का ब्रीफकेस होगा, समझी तुम? चलो दफा हो जाओ यहां से, चलो जाओ। भैया इस तरह गर्दन झुकाकर चेहरा देखेंगे तो पूरे घर की गर्दन शर्म से झुक जाएगी। क्यों? मैं तो अपनी होने वाली पत्नी की सूरत देख रहा हूँ। अरे नहीं देख सकते ना, दुल्हन का चेहरा फेरों से पहले नहीं देखा जाता।
आधा अधूरा चांद काहे देखना चाहते हो? अरे थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर घूंघटा हटा के पूरा चांद देखिएगा, पूरन मासी वाला चांद। ठीक है, ठीक। कन्या को वार्ता लगाइए, बिछिया पहनाइए। अब कन्यादान की विधि होगी, आप आगे आ जाइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अपना दायां हाथ आगे लाइए, कन्या का हाथ वर के हाथ में रखिए। महाकाय सूर्य को की समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ठहरी
मैं विशाखा से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। बचपना लगा रखा है तुमने। देख, दुल्हन से इस वक्त बात करनी है तुम्हें? क्यों? बहुत जरूरी है और ये बात मैं सिर्फ विशाखा से ही करना चाहता हूँ। मंडप छोड़ के कोई उठे है भला? वो भी बात करने को? ये तो रीत रिवाजों को तोड़ने की बात हुई। तू कुछ बोलता क्यों नहीं लला? यकीन दीजिए, मैं कोई भी रीति रिवाज तोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन किसी भी बंधन में बंधने से पहले मैं अपने सारे शक दूर करना चाहता हूं।